तो फिलहाल मैं नीलकंठ मंदिर पहुंच चुका हूं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, नीलकंठ के नाम से विख्यात इस मंदिर का गर्भगृह शैलकृत है। इसके सम्मुख स्तंभ युक्त मंडप है। गर्भगृह के द्वार स्तंभ पर शिव पार्वती तथा नदी देवियों गंगा यमुना का अंकन है। गर्भगृह के साथ अत्यंत संकरा प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के भीतर नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध 1.35 मीटर ऊंचा एक मुखी शिवलिंग है। इसकी भीतरी दीवार पर शिष्यों तथा भक्तों का अंकन है। इस मंदिर के स्तंभों व दीवारों पर कई अभिलेख अंकित हैं, जिनमें चंदेल शासक मदन वर्मा का 12वीं शताब्दी का अभिलेख महत्वपूर्ण है। निर्माण काल की दृष्टि से गर्भगृह को गुप्तकालीन व इसके मंडप को चंदेलकालीन माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मंडप के बाएं पार्श्व में ऊपर स्वर्गारोहण नामक एक विशाल शैलोत्कीर्ण जलाशय निर्मित है। यहाँ स्थित खड़ी हुई षोड शंभुजी काल भैरव गजांतक शिव की 7.3 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा विशेष रूप से दर्शनीय है। मंदिर का जो द्वार है इस साइड से आप देख सकते हैं, सामने ही घाटी है। चलते अंदर। यहाँ से नज़ारा देखिए, नीचे जाने का है एक रास्ता और ये पूरी दुर्ग की प्राचीर दिख रही है। काफ़ी ऊंचाई पे है ये। सीढ़ियाँ भी बारिश से झरझर हो चुकी हैं, मौसम की मार झेलते झेलते। जब कोई महल बनता है तो बिल्कुल नया बनता है, तो पत्थर काफ़ी ऐसे ही, मतलब जैसे ये पत्थर दिख रहा है वैसे पत्थर एकदम चमकते रहते हैं। लेकिन अब कितने मौसम का मार झेल के कितने सालों से ये अब थोड़ा सा विरूपित हो चुका है। अगर हमको नीचे जाना है तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे सीढ़ियाँ नीचे ही जाती दिख रही हैं। काफ़ी दूर तक ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। वहाँ पे दुर्ग की प्राचीर पे जाने का रास्ता है और नीचे एक पगडंडी बनी। हो सकता है ये रास्ता अटैकर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो जितने भी पगडंडियाँ बनी हैं, अटैकर्स यहाँ से आते होंगे, लेकिन जो ऊपर होंगे वो भी सचेत होंगे। एक ये मूर्ति बनी है जिसको विरूपित किया गया है, जब इनका मुग़लों का इस पर आक्रमण हुआ होगा तो उन्होंने इसको तोड़ दिया होगा। काफ़ी कुछ तोड़ा गया, पांव तोड़े गए हैं, चेहरा तोड़ा गया है और पेट हाथ के कुछ हिस्से तोड़े गए हैं। जो हाथ में हथियार लिए रहते हैं वो तोड़ा गया है। गजनवी ने भी इस पर 1023 में आक्रमण किया था, तो काफ़ी इसको उसको कलिंजर से काफ़ी धन संपदा मिली थी गजनवी को। तब ये किला इतना सुदृढ़ नहीं था, बाद में इसको सुदृढ़ किया गया और ज़्यादा ही, और मराठों तक आते आते काफ़ी मजबूत ये किला हो गया। और जब 1857 का युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति हुई थी। 3000 भारतीय सैनिक और लगभग 800 के करीब अंग्रेज सैनिक मारे गए थे इस किले की लड़ाई में। आप देख सकते हैं इसमें इन्हीं दीवारों में कुछ पत्थर, जो मंदिर या किसी चीज़ के पत्थर होंगे उनको डाला गया है, दीवारों को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। ये सारी दीवारें आपको पहले की लग रही हैं, इसमें यूज़ नहीं हुआ पत्थर, यहाँ पत्थर यूज़ हुआ है। यहाँ से भी एक व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, नीचे जाने का पूरा रास्ता है। पूरी दूर की प्राचीर दिख रही है यहाँ से। ये रूम है, यहाँ पे आप देखिए मूर्तियाँ बनी हैं जिनके चेहरे को विरूपित किया गया है।
ये देख सकते हैं। तो ये मंदिर की मूर्तियाँ थी, इसमें पत्थर डाले गए हैं, अलग से जोड़े गए हैं पत्थर, यहाँ पत्थर जोड़े गए हैं, उल्टा कर दिया गया है, और इसमें कमल मल दिख रहे हैं। तो काफी नीचे जाना है अभी हमें। वो मंदिर है, यहाँ पे एक मूर्ति है, नंदी की मूर्ति है, शिवलिंग है उनके ऊपर, नंदी की मूर्ति के ऊपर शिवलिंग स्थापित है। और एक सीढ़ी बनी है, ये किस लिए बनी ये नहीं पता। वहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ हैं सामने, इनके चेहरे को विरूपित किया गया है। दीवार में चुनवाई गई मूर्तियाँ हैं वो, और यहाँ पे शिला पड़ी है, इसी शिला में कई मूर्तियाँ हैं जिसको पास से दिखाना पड़ेगा। वैसे ही एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। यहाँ शिवलिंग बना है पत्थरों में। जय भोले, चप्पल उतार देते हैं। यहाँ शिवलिंग बना है पत्थरों में, और शिव जी की एक मूर्ति बनाई गई है। यहाँ अंदर ये मंदिर है जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ हैं, खड़गधारी और धनुर्धारी ये भाला लिए हुए हैं। ये शायद हनुमान जी की मूर्ति है क्या, हाथी के ऊपर पैर रखे हुए, मूसा के ऊपर पैर रखे हुए। तो एक मंदिर है और एक ये पत्थर पत्थर है जिसके ऊपर ये दीवार बनाई गई है, इसके अंदर भी मूर्तियाँ होंगी। एक शिला पड़ी है यहाँ पे, एक ही शिवलिंग है यहाँ पे, दो शिवलिंग है, एक और ये दो दो शिवलिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जो विरूपित हैं, इनको तोड़ा गया है, जो भी आक्रमणकारी जितने भी आए होंगे उन्होंने इसको तोड़ा होगा, चेहरे को विरूपित किया होगा। यहाँ पे मेन भगवान विष्णु या शिव की मूर्ति होगी, और आसपास देवता होंगे। एक गणेश जी की मूर्ति मुझे दिख रही है, और एक मंदिर अंदर है। यहाँ पानी आ रहा है, मंदिर तो नहीं है, कभी कोई कुछ मूर्ति नहीं दिख रही इसके अंदर, हो सकता मूर्ति हो। यहाँ शिवलिंग है जिसपे देवता जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे एक खाली स्थान है जिसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। खाली स्थान एक वहाँ पे भी है, और एक मूर्ति यहाँ बनाई गई है। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक ये भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, नरमुंडों के साथ में है। यहाँ पे देखिए आप, शिव जी की मूर्ति है शिवलिंग के साथ में, शिवलिंग पे ही चेहरा बनाया गया है, और बाकी सब विरूपित है। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये शिवलिंग है,
ये मूर्ति विरूपित है, ये मूर्ति विरूपित है। यहाँ पे नंदी है, उनके ऊपर शिव है। ये इस मूर्ति को भी थोड़ा तोड़ा गया है, ये भी विरूपित है। जय भोले, जय भोले। यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जितनी भी ये शिला है इस पर मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनी हैं। ये मूर्ति, इसकी टांगें तोड़ी गई हैं, इसकी टांगें अभी पूरी पूरी टांगें नहीं दिख रही इसमें। ऊपर भी देवता की मूर्ति है, और जैसे लग रहा किसी गोली के छर्रे होते हैं ना, 18वीं शताब्दी में बंदूक का आविष्कार हो चुका था, तो गोलियों के छर्रे पे निशान दिख रहे हैं मुझे। नंदी है, देवता है, और ये शिवलिंग है, काफ़ी शिवलिंग है यहाँ पे दीवारों में अलंकृत। एक गणेश की मूर्ति है यहाँ पे, ये इसकी फोटो मैंने कई बार देखी है। जय गणेश, इनका सूंड जो है यहाँ से तोड़ा गया है, ऊपर की तरफ होता है सूंड। यहाँ पे कुछ पहले के ज़माने में जो लिखा गया होगा तो वो यहाँ अलंकृत दिख रहा है। नीचे जाने का यहाँ से रास्ता है, और यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। तो ये पूरा मंदिर का प्रांगण ही है। अब नीचे जाने के लिए मुझे चप्पल उतारनी ही पड़ेगी। ये नरसिंह अवतार है शायद, इनका भी हाथ टूटा हुआ है। गणेश जी की मूर्ति है दीवार में। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई से नीचे आना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ हैं एक साथ हैं, वो शिवलिंग है। शिव की काफ़ी मूर्तियाँ हैं, पानी आता रहता ऊपर से, उधर साइड से। अंदर शिवलिंग है काफ़ी इस मंदिर के अंदर। तो ये मूर्ति आप देख सकते हैं, इसके अंदर पानी भर गया है, और कई शिवलिंग हैं यहाँ पे। शिव की एक मूर्ति है, शिव पार्वती की। ये ध्वंसावशेष पड़ा है मूर्ति का, काफ़ी ऊंची मूर्ति होगी ये। शिवलिंग है ऊपर, सभी मूर्तियों को नाम दिया गया अलग अलग, ताकि इनका बाद में वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनको पता किया जाए कौन सी मूर्ति क्या है। ये काफ़ी, यहाँ पे मंदिर कोई होगा जिसके अभी ध्वंसावशेष पड़े हैं, यहाँ पे टुकड़ों में ये मंदिर है। एक शिवलिंग है, ऊपर से पानी आ रहा है। मंदिर देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ध्वंसावशेष पड़े यहाँ पे। ये मंदिर का चबूतरा है,
कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं ऊपर, कुछ टूटी हुई हैं, कुछ साबुत हैं। मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा मंदिर था ये, इसको देख के लग रहा है कितना भव्य हो गया। ये गर्भगृह था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण हो गया है, जिसमें अभी आप ये देख सकते काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये शिव जी की। मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ देखिए, हो सकता है तालाब हो यहाँ पे, यहाँ पे तालाब हो सकता है। और इस मूर्ति को देख लेते हैं, इस मूर्ति काफ़ी बड़ी मूर्ति है, 3.7 मीटर अप्रॉक्स, 4 मीटर 4 12 उससे ज़्यादा ही होगी, 7 या 8 मीटर है ये, काफ़ी बड़ी मूर्ति है शिव जी की। आगे भी रास्ता है लेकिन आगे नहीं जाएंगे, यह एक ढंग पड़ा मूर्ति का। तो कहा जाता है नीलकंठ महादेव जो थे शंकर भगवान, उन्होंने विष पी लिया था तो वो यहाँ आए थे, इसलिए इसको कलिंजर कहा जाता है। यहाँ पे कोई देवनागरी लिपि तो नहीं है ये कोई पुरानी लिपि है जिसका ये शिलालेख यहाँ पड़ा है। ऐसे कई मूर्तियों के ध्वंसावशेष पड़े यहाँ पे। एक गलियारा है यहाँ पे जिसमें मूर्तियों के ध्वंसावशेष पड़े हैं, काफ़ी मूर्तियाँ तोड़ी गई यहाँ से, पूरा इनको शार्प किया गया है। शिवलिंग है और एक ये गणेश जी की ये सुंड बनी हुई है, ये इनका सर, मतलब इसका सर तोड़ा गया है इस मूर्ति का। इतनी बड़ी सी मूर्ति है, विष्णु या वराह अवतार की मूर्ति होगी ये, इसका सर आगे तोड़ा गया तो फिर ये पता नहीं चल पा रहा मुझे। ये भी काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, एक मूर्ति ये भी काफ़ी बड़ी थी। तो अब चलते हैं यहाँ से, एक और दृश्य ले लेते हैं यहाँ का, जो नीचे का है, यहाँ का दृश्य लेते हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ नहीं लग रहा मुझे कि ऐसा कुछ होगा देखने लायक, फिर भी चलते हैं देखते हैं। ये पत्थर है या इसमें हो सकता है कोई मूर्ति हो, जिस हिसाब से तोड़ा गया है इस मंदिर को, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि यहाँ पे कोई मूर्ति छोड़ी गई होगी बिना टूटे। तो नीचे जाने का रास्ता उधर से, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ तो नए सब्सक्राइबर मिले हैं, और इसका नाम क्या, आर्यन उत्कर्ष, 2 सब्सक्राइबर मिल गए नीलकंठ महादेव के मंदिर में। ये कलिंजर का दुर्ग है यहाँ पे, और अभी अभी नए सब्सक्राइबर बने हैं। मेरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे, लगे हो सकता है कि अभी छोड़ दें, अभी फॉलो करके अनफॉलो कर लें। तो देखते हैं कब तक रहते हैं ये लोग, कमेंट करते रहना, पता चलता रहेगा कि सब्सक्राइबर हो। ठीक है, चैनल का नाम मैंने बता दिया है, लाइफ अनचार्टेड। हाँ, लाइफ अनचार्टेड, UNCHARTED।
तो तुम भी सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हारे पास भी मोबाइल है तो, और एक ही मोबाइल में 4-5 अकाउंट बना के सबसे सब्सक्राइब कर लेना।